दुर्ग शहर के गिरधारी नगर वार्ड में बीती रात गाय के बछड़े का कटा सर मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाना का घेराव कर पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गिरधारी नगर वार्ड में बीती रात एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई और विवाद पनप गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान हिंदू संगठनों की सूचना पर मौके पर दुर्ग पुलिस पहुंची। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने घटनास्थल से कटा सर लेकर दुर्ग के मुख्य चौक पटेल चौक पर सर को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बछड़े के कटे सिर को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की के बीच सिर को लेकर थाने पहुंचे तो प्रदर्शनकारी भी सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद थाने में पर्याप्त बल मंगवाया गया तो प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने की सड़क पर चक्का जाम कर दिया। देर शाम गिरधारी नगर के पानी टंकी के पास सड़क किनारे गाय के बछड़े का सर पड़ा मिला, जिसका धड़ कहीं आसपास भी नहीं था, जिससे हंगामा बढ़ता देख दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बल तैनात कर आसपास के सभी थाना प्रभारी सहित आला अधिकारियों को पटेल चौक सुरक्षा की दृष्टि से बुलवाया गया। लंबे समय तक हंगामे के बाद फिर से प्रदर्शनकारी पटेल चौक पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें हल्के बल प्रयोग के बाद भगाया। घटनास्थल पर बछड़े का सिर कैसे पहुंचा, उसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें एक कुत्ता सिर को लेकर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सिर को किसी ने काट कर फेंका है, जिसे कुत्ता लेकर आया है। वहीं हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस इन मामलों को रोकने में नाकाम है। इस मामले में दुर्ग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के साथ ही इस घटना की सघन जाँच की जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये दुर्ग कोतवाली के थाना के अंतर्गत गिरधारी नगर का मामला है। अभी शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे किसी बछड़े का गला पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ है, तो तत्काल पुलिस ने वहाँ पे अभी अपनी वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद अपनी कार्रवाई चालू करने वाली थी। इसी बीच बजरंग दल इसके समर्थित कुछ लोग आ गए थे। उनका शिकायत था कि ये सब जो घटनाएँ हैं जो विशेष लोगों के द्वारा ही किया गया है, उनका एक आरोप था, इस कारण से वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। भीड़ ज़्यादा होने से रोड में आने की कोशिश कर रहे थे, तो रोड को सामान्य रूप से चालित करने के लिए बस हटाया गया है। हाँ, पुलिस अपने पास रखी, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। धड़ नहीं, सर मिला है, सर का वो भेजा जा रहा है फॉरेंसिक के लिए। ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे हुआ है और कब का है। अभी क्या टीम चल रही है वहाँ पे, क्राइम की टीम लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है, जैसे भी आता है कुछ तो आपको ब्रीफ किया जाएगा। अभी हमें पता चली कि हमारे गौ माता की गौवंश के एक बछड़े का सर मिला है गिरधारी नगर पानी टंकी के पास। ये सूचना को मिलते ही हम वहाँ पहुँचे थे, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन भी तत्काल नहीं आई। 1.5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची है। उसको लेकर हम पटेल चौक आए थे। उस गौवंश के बछड़े के सर को देखने में ऐसा लग रहा है कि उसको बकायदा काटा गया है और काटकर छोड़ा गया है। हालांकि सीसीटीवी सामने देखने में ये पता चला कि कुत्ता उठा के ला रहा है, लेकिन कुत्ता का निशान और धड़कन पर कहीं भी नहीं है। सिर से लेके कान तक कोई भी एक निशान नहीं है। वो नाले में बकायदा उसको काटकर छोड़ा गया है और नाले से उसको उठा के लाया गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सरासर अनुचित है और गलत है। बार बार देखा जा रहा है जिहादी मानसिकता के लोग, सब चीजें गलत हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जितना संज्ञान दूसरे चीजों को लेती है, उतने जल्दी ये गौवंश के जो गौवंश पर जो लफड़ा हो रहा है उसे तत्काल पुलिस प्रशासन रोके। अगर इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे सकल हिंदू समाज को लेकर दुर्ग को बंद कराएगा और एसपी का घेराव करेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।